गाइस फिर से स्वागत है मेरी इस नए ब्लॉग में। तो मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ उदयपुर जाने की, तो फाइनली आज हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारा प्लेस कवर करेंगे उदयपुर की। तो चलो लेट्स गो। त्रिपुरा की राजधानी पहले उदयपुर में था, फिर वहाँ से शिफ्ट होके अगरतला में चला गया। अभी तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, लेकिन पहले उदयपुर था। और एशिया का सबसे पहला नोबेल विनर रविन्द्रनाथ टैगोर उदयपुर में बहुत बार गया था और वहाँ पे जाके एक नोबेल भी लिखा था, और जो नोबेल का नाम है राजश्री। उदयपुर मातावारी में अभी भी बफेलो सेक्रीफाइस होता है, पहले तो बहुत सारा होता था बफेलो सेक्रीफाइस। अभी तो मंदिर के सामने पहुँच गया और बाइक जो है ना पैरा की दुकान के सामने रख दिया था, तो सेफ है बाइक, तो सेफ है। और अभी घुसेंगे देखेंगे क्या क्या है, उसके बाद जाएंगे रेल स्टेशन। और उदयपुर रेल स्टेशन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और ये पूरा ब्लॉग को देखते रहिए। या ये जो मातावारी का जो पेड़ा होता है ना, ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट पेड़ा मैंने कहीं नहीं खाया, बहुत ही अच्छा है, इसलिए तो मैं बार बार आता हूँ, ये पेड़ा मुझे खींचता है वहाँ पे। फाइनली गाइस उदयपुर मातावारी के पास में हूँ, मातावारी के मंदिर की सीढ़ी में हूँ। अभी ऊपर जाएंगे, ভোগও পেয়ে গেলাম। देखो सामने लाइन करी है, लोग पूजा दे रहे हैं। आज तो इतना भीड़ नहीं है, क्राउड भी नहीं है देखो, लेकिन दूसरा दिन और स्पेशली दिवाली के टाइम इतना भीड़ होता है ना, खड़ा होने का जगह भी नहीं मिलता है, इतना भीड़ होता है। ये प्रसाद घर है, यहाँ पे रोज प्रसाद मिलता है। और मुझे तो सबसे अच्छा लगता है वो जो कबूतर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारा कबूतर है और उन लोगों को खिलाया जाता है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना सुंदर है कबूतर। मंदिर का ये दो दरवाजा है, एक से जैसे कि दर्शन करते हैं लोग, नमस्कार वगैरह करते हैं ना, तो दूसरी तरफ से वो जो पूजा देता है, तब पूजा के जो सामान वो पंडित लोग रखते हैं। तो अभी दरवाज़ा खुला है, तो अभी दिखाएंगे अंदर का भी। और यहाँ का पंडित भी देखो कितना साफ सुथरा सुंदर है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा बकरियाँ सेक्रीफाइस होता है रोज़, और कभी कभी बफालो भी सेक्रीफाइस करता है। ये जो एनिमल का जो सेक्रीफाइस देता है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये सही नहीं है। भगवान के नाम पे मंदिर पे ऐसा जो सेक्रीफाइस होता है, बहुत ही बुरा लगता है। जो भी हो, यहाँ का कल्चर ऐसा है ना, तो क्या करें। ये मंदिर बनने के पीछे जो हिस्ट्री है कुछ इस तरह से है कि 53 शक्तिपीठों में से एक है ये, और कामाख्या भी एक था और ये भी एक है। तो शक्तिपीठ क्या है मैंने डिटेल्स में दे दिया, देखो यहाँ पे मंदिर के सामने ही बहुत बड़ा झील, और ये झील देखो कितना सुंदर है, बहुत बड़ा है और बहुत सारा मछली है वहाँ पे। अभी गए रेल स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे पूरा घूमेंगे देखेंगे रेल स्टेशन, वहाँ पे बहुत अच्छा है। With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. We'll be right back.
भाई मिला था, आई मीन जान पहचान वाला नहीं है, मिला था उन लोगों ने बोला पिक्चर लेने के लिए, पिक्चर लिया। ये जो रेल स्टेशन त्रिभुवा का सबसे सुंदर रेल स्टेशन है, अभी इस रेल स्टेशन के अंदर घुसे आप देखेंगे लोगों भी दिखाएंगे। अभी गाइस मैं हूँ रेल स्टेशन के पट्टी पे हूँ, देखो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये उदयपुर जो है ना त्रिपुरा का सबसे अच्छा जगह में से एक है, और त्रिपुरा का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है उदयपुर। और दोस्तों अभी मेरे पीछे दिखा रहा हूँ सनसेट हो रहा है, देखो ऐसे स्टेशन के पास में आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुला पड़ा है, बहुत सारा जगह खुला पड़ा है, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। घूमते घूमते शाम हो गया था और मुझे बहुत भूख लगा था, तो सोचा क्यों ना टिफिन कर लेते हैं, तो इस दुकान पे चला है और टिफिन भी बहुत टेस्टी है देखो। और ये तो मेरा फेवरेट है ना टिफिन, पूरी सब्जी। अभी खाना के घर चला जाएंगे। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा ना वो होगा आप लोगों के बारे में। आप लोग गया था वहाँ पे, एक होम टाउन भी गया था आप लोगों के होम टाउन में, और बाहर से जो व्यू देखा ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो वही वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में, तो हमारे साथ बने रहना, ठीक है, देखते रहना हमारा जितना भी वीडियो आए ना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, चलता हूँ।